स्कूल में जब एग्ज़ाम दिया जाते हैं, परीक्षा पेपर देते हैं, तो कभी कभी कुछ गेस दिया जाते हैं, कुछ मतलब पास कराने के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए तो 2-3 मार्क एक्स्ट्रा दे देते हैं, किसी प्रकार से वो पास हो जाए। जैसे 8 पेपर है, कम से कम एक पेपर में कुछ कम आ गया, कुछ कम मतलब कुछ कम नंबर आया तो परीक्षक ने उसका कुछ गेस देकर, कुछ अतिरिक्त देकर उसको पास करा देते कि आगे क्लास में वो चला जाए। हाँ, इसी प्रकार शरणागति के 6 पेपर हैं, शरणागति के 6 पेपर हैं। 6 पेपर क्या है? भक्ति रनुकूल मात्र कार्य रसिकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगिकार, दैन आत्म निवेदन गोपतृत्व वरन अवश्य रक्षिवे कृष्ण अवश्य पालन। भक्ति अनुकूल जो है वो कार्य करना, ये शरणागति 6 पेपर क्या है? भक्ति के अनुकूल कार्य करना है, भक्ति के जो प्रतिकूल है उसका वर्जन करना है, और है दैन आत्मनिवेदन मतलब पूर्ण समर्पण, और गोपतृत्व वरण का अर्थ है कृष्ण मेरा प्रभु है, पोति है, वरण करना। हाँ, प्रभु को पोति रूप में संबंध बनाना, सबसे बड़ी कथा बात है ये है संबंध तैयारी करना। जब तक संबंध नहीं बनेगा तब तक स्वरूप ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान का अज्ञानता की पूर्णता निवृत्त नहीं होगी, तो इसलिए संबंध को बनाना है। फिर दैन आत्मनिवेदन गोपतृत्व वरण और अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण अवश्य रक्षा करवे, हाँ करेंगे इस पर विश्वास। गोपतृत्व वरण और गोपतृत्व वरण का अर्थ है संबंध, भगवान से संबंध स्थापन करना, जैसे दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य ये संबंध है, तो इस प्रकार संबंध से जोड़ना पड़े, अपने को जोड़ना पड़ेगा। तो ये 6 पेपर है भक्ति अनुकूल कार्य का करना, भक्ति प्रतिकूल कार्य का वर्जन करना, और दैन्यता आत्मनिवेदन और गोपतृत्व वरण मतलब संबंध, भगवान को पति रूप में वरण करना, और आखिरी है भगवान मेरे रक्षा करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे ये पूर्ण विश्वास रखना। तब जब इस 6 पेपर अब हम लोग देख सकते हैं अपना जीवन में 6 पेपर में फेल है, किसी प्रकार किसी पेपर में हम लोग उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। हाँ, सब पेपर में ना तो भक्ति के अनुकूल कार्य करते हैं, ना तो भक्ति के प्रतिकूल कार्य को छोड़ते हैं, ना तो दैन्यता है, ना क्या है आत्मनिवेदन पूर्ण समर्पण भी नहीं है, ना भगवान का साथ संबंध जोड़ पाए हैं अभी तक, और ना भगवान जो मेरी रक्षा करेंगे इस पर भी विश्वास पूर्णतया नहीं है। तो 6 प्रकार जो पेपर है ये पेपर में पूरा फेल। हाँ, तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करें, आखिरी है प्रार्थना, जब शरणागति में भी काट गया, शरणागति भी नहीं हो पाया, तो रोते हुए प्रार्थना करें, हे प्रभु इस जीव जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए घर से निकले थे वो वस्तु अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, हे प्रभु उस चीज़ का प्राप्त करा दीजिए, इसलिए रोते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। गौरांग बोलते हवे पुल कसरी, ये है लक्ष्य, कब महाप्रभु का नाम लेते हुए रोमांच होगा, आँखों के आंसू के धारा बहने लगेगा, और कब महा नित्यानंद प्रभु करुणा करेंगे
और संसार वासना मेरी चली जाएगी और विषय वासना कबे तुच्छ हवे मन कबे हम हेरव से वृंदावन। जब तक विषय वासना से निवृत्त नहीं होंगे तब तक वृंदावन में प्रवेश नहीं होगा। हम लोग सोच रहे हैं वृंदावन में हम लोग वास कर रहे हैं, वृंदावन में बाहर ही खड़े हैं, अभी तक वृंदावन में प्रवेश नहीं हुए। वृंदावन में प्रवेश उसी का अधिकार है जिसके मतलब जो क्षय शत्रु है विषय वासना से जो मुक्त हो चुके हैं वो वृंदावन में प्रवेश कर चुके हैं। हाँ, वृंदावन में वही प्रवेश कर पाएंगे जो विषय वासना से संपूर्णतः मुक्त हो चुके हैं। हाँ, तो इसलिए निरंतर रोते हुए प्रार्थना ये सबसे बड़ा दम है। हाँ, जब तक हृदय से माने एकदम नाभि मूल से पुकार नहीं आएगा तब तक कुछ आगे मिलने वाला नहीं। तो इसलिए सबसे बड़ी ये है प्रार्थना। शरणागति अभी नहीं है, शरणागति तब आ जाएगी जब आप रोते हुए प्रार्थना करेंगे। ये नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रार्थना है, इसको आप लोग रोज़ पढ़ते रहिए। बहुत हर प्यार में हर मतलब आखिरी में नरोत्तम दास ठाकुर रोते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर वास, प्रार्थना कर ए सदा नरोत्तम दास। आप लोग देखेंगे जो बार बार प्रार्थना करें हे प्रभु आपके लिए रोना आए। हाँ, आप संसार के पदार्थ जो जिस क्योंकि ये रस भूमि है, ये प्रेम रस की भूमि है, यहाँ रस बरस रहे हैं किंतु इस रस में डूब नहीं पा रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि विषय वासना से हमारा चित्त डूब चुका है। जब तक विषय रस खाली नहीं होगा तब तक मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि प्रार्थना में दम है। हाँ, विद्वता में जे और भोलेपन में, भगवान भोलेपन अच्छा माने भोले भाला है, भगवान रिझ जाते, चतुरता से भगवान रिझते नहीं। अब विद्वता है, शास्त्र के पूरा पारंगत है, भगवान रिझने वाला नहीं है। हाँ, किसी ने बोल दिया आप मतलब भोलेपन से भगवान रिझे, बहुत सारी कथाएं हैं। तो कहने का उद्देश्य ये है कि प्रार्थना निरंतर प्रार्थना की मूड होना चाहिए, प्रार्थना की भावना होनी चाहिए कि भगवान के सामने प्रार्थना करें, हे प्रभु आप ही मेरा रक्षक है, हाँ आप मुझे इस संसार से आपके इसी चरण में ले चलिए। तो हम लोग जय राधा माधव दो मिनट करके फिर आज का जो प्रसंग चर्चा करेंगे। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जसोदा नंदन व्रज जन रंजन, जसोदा नंदन व्रज जन रंजन, जसोदा नंदन व्रज जन रंजन, जमुना तेरा बनचारी, जमुना तेरा बनचारी,
राधा श्याम सुंदर जीव की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जीव की जय, श्री श्री गौर सुनिताय सुंदर जीव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की गंथराज श्रीमद भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद अध्याय एक श्लोक संख्या 31 कितना लिखा है 31-32 है 31-32 श्लोक पाठ करके श्रवण करेंगे 32-33 जम्बूपलक्ष शाल्मले कूशक्रौञ्च शाकपुष्कर संगते संपरिमाणं पूर्वस्मात् पूर्वस्मात् उत्तर उत्तर यथासंख्यं द्विगुणमानन बहिः समन्तता उपक्लिप्ताः। इसका गद्य छंद में है, इसको पढ़ नहीं पाएंगे। जम्बू जम्बू प्लक्ष प्लक्ष सालमली सालमली कूस कूस क्रौंच क्रौंच साक साक पुष्कर पुष्कर संज्ञा जाने जाते हैं तेसम उनमें से परिमाणम परिमाप पूर्वस्मात् पूर्वस्मात् अपने से पूर्व वाले से उत्तर उत्तर बाद वाले यथा
क्रमानुसार संखम संखा द्विगुना दोगुना मानेना माप से बहि बाहर समन्ततः चारों ओर उपक्लिप्तः उत्पन्न किया। श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। सातों द्वीप के नाम हैं जम्बू प्लक्ष सलमली कूस क्रोंच शाक तथा पुष्कर। प्रत्येक द्वीप अपने से पहले वाले द्वीप से आकार में दुगुना है और एक तरल पदार्थ से घिरा है जिसके आगे दूसरा द्वीप है। प्रत्येक लोक के सागर का तरल पदार्थ भिन्न प्रकार का है। ये किस प्रकार स्थित है इसका विस्तृत विवरण अगले श्लोक में हुआ है। छारो देख छु रोसोद सुरोद घृतोद क्षीरोद दधिमंडोद शुद्धोदाह सप्त जलधय सप्त दीप परीक्षा एवाभ्यंतर दीप समाना एकैकस्येन यथानुपूर्वं सप्तस्वपि बहिर्दीपेषु पृथक् परित उपकल्पितास्तेषु जम्बादिषु बहिर्स्मति पति अनुव्रतानात्मजना अग्निध्रे इद्धजिह यज्ञवाहु हिरण्यरेता घृतपृष्ठ मेधातिथि वितिहोत्र संनश्य संज्ञा संज्ञानि अथ असंख्ये अनेकैक अस्मिन् एक एवाधिपतिं विदधे। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये सातों समुद्र क्रमशः खारे जल इक के रस सूरा घृत दुग्ध माठा तथा मीठे पेय जल से पूर्ण है। सभी द्वीप इन सागरों से पूर्णतया घिरे हैं और प्रत्येक समुद्र घिरे हुए द्वीप के समान चौड़ा है। रानी वहिष्मति के पति महाराज प्रियव्रत ने इन द्वीपों का एक छत्र राज्य अपने पुत्रों को दे दिया जिनके नाम क्रमशः अग्निध्र युद्धजीव यज्ञबाहु हिरण्यरेता धृतपृष्ठ मेधातिथि तथा वितिहोत्र थे। इस प्रकार अपने पिता के आदेश से ये सभी राजा बन गए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ यह समझने की बात है कि प्रत्येक द्वीप भिन्न प्रकार के सागर से घिरा है और यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक सागर की चौड़ाई उस द्वीप के समान है जिसे वो घेरता है। प्रत्येक सागर की चौड़ाई उस द्वीप के समान है जिसे वो घेरता है, किंतु सागर की लंबाई द्वीपों की लंबाई के तुल्य नहीं हो सकती। सागर की लंबाई द्वीपों की लंबाई के तुल्य नहीं हो सकती। वीर राघव आचार्य के अनुसार प्रथम द्वीप की चौड़ाई 1,00,000 योजन है। एक योजन 8 मील के बराबर होता है। अतः प्रथम द्वीप के द्वीप की चौड़ाई 8,00,000 मील हुई। इस द्वीप को घेरने वाले जल की चौड़ाई भले ही इतने ही हो किंतु उसकी लंबाई को भिन्न होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सोजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत
स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाने प्रचारिणे निर्विशेष सुन्नवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशकल्पतरुभस्य कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः संकर्षण कारणतसै गर्भदोषच पायोधीसै शेषश्च जस्यां सकला सनितानंद खराम शरणं ममास्तु जयतां सुरतौ पंगोर मम मंदमतेर्गते मत्सर्वस्य पदं भोजौ श्री राधा मदन मोहनौ दिव्यारविंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा शिल गोविंद देव पृष्ठलेभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान रास रसारम्भी वंशीवट तट स्थित कर्षन वेणु सनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तु नः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय गतकाल हम लोग परम पूज्य गौर गोविंद गोस्वामी महाराज श्री के मुख से कितना आनंद पूर्वक प्रवचन कर रहे थे कि जैसे हृदय में चुभ रहा था कि ऐसे ही मतलब वक्ता की ये लक्षण है जो अनुभवी है जिसका साक्षात्कार हो चुका है स्वरूप ज्ञान जिसका हो चुका है वो वीडियो तरह देखेंगे देखते हुए उसका वर्णन करेंगे तो इसीलिए इतनी प्रभावशाली प्रवचन है। तो महाराज जी काल कितना सुंदर नंद जसोदा और जो उद्धव जी का जो संवाद हाँ उद्धव जी कहे कि आपके बेटा साक्षात नारायण है भगवान है मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जैसे महाराज वीडियो देख रहे हैं और देखते हुए कितना आनंद में कितना ठोस में कन्विक्शन कितना हाँ ऐसे ही मतलब विशेष वक्ता का विशेष लक्षण है जो हृदय में प्रवेश कर जाए। तो महाराज जी के प्रवचन वास्तविक हृदय ग्राही हृदय का स्पर्श करने योग्य। तो महाराज वास्तविक देखिए किस प्रकार से संसार जीवन से विरक्त होकर हाँ सद्गुरु संधान के लिए पूरा भारत भ्रमण किए और भारत भ्रमण करते करते ब्रज में आए और ब्रज में आकर श्रील प्रभुपाद से मिले और कृष्ण भावनामृत को कितना आगे विस्तार किया। तो कहने का उद्देश्य ये है कि वक्ता के एक अनुभव और एक साक्षात्कार दोनों होना बहुत जरूरी है तब जाकर
वो विशेष प्रभावशाली होगा। हाँ, शास्त्र ज्ञान है किंतु अनुभव नहीं है तो प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार देखा जाता है कि श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में एक विशेष रत्न, हाँ, जिन्होंने सारा विश्व में कृष्ण भावनामृत को कितना अच्छा से विस्तार किया। तो महाराज जी काल अच्छा से उत्सव हम लोग पालन किया और महाराज जी के प्रवचन भी सुने, ऐसे सुनने को मिल जाए कभी कभी तो अच्छा रहेगा, सबके लिए सुखकर होगा, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के जो वाणी में जो एक विशेष वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन काम करेगा। हृदय का जो काम क्रोध का जो लहर चल रहा है उसको मिटाने के लिए अच्छा सत्संग की जरूरत है। हाँ, साधारण सत्संग नहीं, अच्छा मतलब जबरदस्त सत्संग की जरूरत है। तो इस प्रकार से सत्संग से क्या होगा, जो हम जिससे झेल रहे हैं, जिससे मैं पीड़ित है, उस पीड़ा से मैं मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ऐसे महापुरुषों का संग करते रहना चाहिए। तो प्रियव्रत महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, स्वयंभुव मनु के पुत्र थे। स्वयंभुव मनु के दो पुत्र, एक है प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। उत्तानपाद के चरित्र हम लोग सुन चुके हैं और प्रियव्रत का चरित्र भी श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो प्रियव्रत राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रश्न पूछा, हे राजन, कि जे प्रियव्रत राजा महान भागवत भक्त थे, आत्माराम थे, ये कैसे गृहशास्त्र में प्रवेश कर गया। प्रश्न को जितना अच्छा से समझेंगे उतना अच्छा आगे चलकर पूरा अध्याय पूरा भागवत में उत्तर मिलेगा इसका। एक जगह में भागवत में भागवत जो है ये भागवत ये प्रश्न उत्तर का समावेश है। प्रश्न एक जगह करेंगे किंतु उत्तर सारा भागवत में मिलेगा। यहाँ प्रश्न है परीक्षित महाराज जी की कि प्रियव्रत भगवान के शुद्ध भक्त थे, वो कैसे गृहस्थास्त्र में प्रवेश कर गया। अच्छा, गृहस्थास्त्र में प्रवेश करना क्या बुरा है क्या? परीक्षित महाराज जी कहेगा नहीं, बुरा नहीं है, कि जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है, संभावना रहती है स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और कर्म बंधन में बंध जाता है। इसीलिए सभी लोग चाहते निवृत्ति मार्ग में जाना चाहते हैं, क्योंकि क्यों मतलब झामेला क्यों ले। हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, कृष्ण चरण कमल प्राप्ति हो जाए। जो बाधा है वो बाधा क्यों झेले, किंतु ये परीक्षित महाराज जी का प्रश्न था। तो सुखदेव जी कहे कि हे परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। हाँ, जिनका मन भगवान में लग चुका है वो कभी कथा भगवान की कथा से निवृत्त नहीं होंगे, वो निरंतर कथा सुनते ही रहेंगे। लक्ष्य है कि भगवान के चरण कमलों में मन लगाना, गृहस्थ विरक्त कोई मतलब नहीं। लक्ष्य क्या है, किसी प्रकार से भगवान के श्री चरण कमल में मन को लगाना। हाँ, सुखदेव जी कह रहे कि प्रियव्रत महाराज भगवान के शुद्ध भक्त है, निरंतर चरण कमल में भगवान के मतलब ध्यान करते हैं, वो कभी विचलित नहीं होंगे, संसार में जाने पर भी उनका मन कभी विषय से विचलित नहीं होगा और निरंतर वो कथा कृष्ण कथा सुनते ही रहेंगे। तो परीक्षित महाराज, जब प्रियव्रत महाराज किसी प्रकार से पिता का मने मतलब स्वयंभू मनु कहे जो पृथ्वी शासन करने योग्य कोई नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, एकमात्र प्रियव्रत ये सारा पृथ्वी की शासन करने योग्य है, इसका निवृत्त मार्ग में अर्थात संन्यास लेने ब्रह्म सत्र की दीक्षा लेना नहीं चाहिए, इसका पृथ्वी का भार लेना चाहिए, किंतु पिता का बात सुनने के तैयार नहीं है। उनका मन लग चुका है कहाँ, भगवान के चरण कमल में, कि ब्रह्म सत्र की दीक्षा लेकर वन में चले जाएंगे और भगवत भजन करेंगे, यही उनका लक्ष्य था। किंतु पिता की बात जब टाल दिया, पिता के बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए, तो उस समय ब्रह्मा जी आए। हाँ, ब्रह्मा जी आकर कहे कि बेटा आपको देखिए ये विधि के विधान हैं, हाँ भगवान के ही विधान हैं, आपको ये करना है। मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात सुनाता हूँ,
एकल तुम नहीं है, सभी लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। महादेव जी मतलब मैं स्वयं, नारद जी सब उनके अधीन में हैं, उनकी आज्ञा के पालन करते हैं। तो उनके विधान को कोई भी देहधारी जीव टाल नहीं सकते, अतएव तुमको पालन करना ही पड़ेगा। ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुख का भय करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। बस जिस प्रकार रस्सी से बेल बांधा रहते, रस्सी से बेल को बांध कर रखते, बेल जैसे जैसे चल नहीं सकते, चालक के अनुसार चलना पड़ता है, इसी प्रकार सभी जीव सभी मतलब सारा संसार भगवान से बांधे हुए है, उनके अधीन से सब कार्य कर रहे हैं। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक ऐसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी सपना में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है, इस अवस्था में भी उनका अभिमान उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है उन्हें स्वीकार नहीं करता। कहने का उद्देश्य ये है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि इंद्रिय और मन पर विजय करना, विजय प्राप्त करके अगर वन में भी चले जाओ तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, तुम संसार से मुक्त ही रहोगे। अगर इंद्रिय मन पर विजय न करके वन में चले जाओ तो तुम्हारा मतलब बिगड़ने की संभावना है, परमार्थ से च्युत होने की संभावना है। अगर मन और इंद्रिय पर विजय प्राप्त करके घर में भी रहे तो भागवत प्राप्त कर लेंगे। यहाँ एक उदाहरण देते हैं कि किले में रहकर युद्ध करना, ये शत्रु को जीत लेना भारी आसान है, किंतु बाहर जाकर शत्रु को जीतना भारी कठिन हो जाएगा। तो इसलिए हे प्रियव्रत, किले में रहकर भगवत भजन करो और माया पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करो। सुखदेव जी कहते हैं जब त्रिलोकी के गुरु ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहकर चले गए तो प्रियव्रत छोटे होने के कारण ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार कर लिया कि ये नियम है, एक मतलब एक व्यवस्था है कि बड़े व्यक्ति कुछ कहे उसकी बात को स्वीकार कर लेना। फिर नारद मुनि फिर स्वयंभू मुनि ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मा जी की निश्चित विधिवत पूजा की और प्रियव्रत को राज्य देकर वो भी वन में चले गए। कौन? स्वयंभू मनु। मनुजी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो गया और पूर्ण होने के बाद वो अपने जो लक्ष्य है कि संसार से विरक्त होकर वन में जाकर भजन करने लगे। और प्रियव्रत महाराज ने आदि पुरुष भगवान के चरण कमल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके राग आदि सभी मल नष्ट हो चुके थे, उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए पृथ्वी का शासन करने लगे। तदनंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति के साथ शादी की। अब बहिष्मति के साथ शादी करने के बाद उनका 10 पुत्र हुए, उसमें 3 पुत्र संन्यास ले लिए और 7 पुत्र 7 द्वीपों के अधिपति बना दिया। उसके बाद दूसरा पत्नी से 3 पुत्र हुए, रैवत तामस और उत्तम तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो अपने नाम वाले मन्वंतर की अधिपति बने। हाँ, 3 पुत्र संन्यास होकर चले गए और 3 पुत्र मन्वंतर के अधिपति बने और 7 पुत्र 7 द्वीपों के राजा बन गए। तो इस प्रकार कोबी आदि 3 पुत्र निवृत्त प्रण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय अपने अखंड पुरुषार्थमय मतलब बहुत अच्छा से राज्य शासन किए और उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही ना जाने कहाँ छिप गए,
प्राण प्रिया बृहस्पति के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभूत थनादि इस प्रकार से जब बहुत अच्छा से संसार से रहने लगे प्रियव्रत महाराज, सभी लोग सोचने लगे कि प्रियव्रत महाराज आसक्त हो गए, किंतु वास्तविक प्रियव्रत महाराज आसक्त नहीं हुए हैं, संसार धर्म में आसक्त नहीं हुए हैं। किंतु वास्तव में आसक्त नहीं है। एक बार उन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की ओर परिक्रमा कर रहे हैं, एक बार देखा कि सूर्य भगवान सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भागों को आलोकित करते हैं उसमें से आधा आलोकित हो रहे आधा अंधेरा है, तो उस समय प्रियव्रत महाराज सोचने लगे कि मैं पूरा 24 घंटा आलोकित रहे आलोक रहे इसकी व्यवस्था करना है। तो दिन का तो आलोकित करने की आवश्यकता नहीं, दिन को तो रात कर नहीं सकते कोई विधान है, किंतु रात को आलोकित कर सकते हैं। तो इसलिए क्या किया, प्रियव्रत महाराज ने एक सुंदर रथ निर्माण करके क्या किया, और रथ के पीछे पीछे भागने लगे, सूर्य के पीछे पीछे जाने लगे, और जाते जाते इसमें 7 बार परिक्रमा करे, 7 बार परिक्रमा करते हुए उसका 7 अच्छा सरोवर बन गए, और 7 सरोवर के 7 द्वीप भी बन गए। सो 7 द्वीप का नाम यह है कि देखिए भागवत के एक एक शब्द जो है विशेष महत्वपूर्ण है। एक द्वीप का नाम लेना क्या जरूरत है, वा समुद्र का नाम स्मरण करने क्या आवश्यकता है, किंतु भागवत में जो भी शब्द है ये सब मतलब भक्ति से प्रेम से लवालब भरा हुआ है। हाँ, इसका श्रवण करने मात्र से भी यथार्थ कल्याण हो जाएगा। भागवत के एक एक शब्द कोई भी शब्द छोड़ने योग्य नहीं है। तो इसलिए भागवत के सभी भले श्लोक में तात्पर्य श्लोक प्रभुपाद विशेष कुछ लिखे ने जस ग्रह मतलब विशेष जो 7 द्वीपों का नाम दिया और 7 समुद्र का नाम लेकर छोड़ दिया। हाँ, 7 द्वीप का नाम क्या है, 7 द्वीप का नाम है कि ध्यान रखें जम्बू प्लक्ष सालमली कुश क्रोंच साप तथा पुष्कर, ये है 7 द्वीप। और 7 समुद्र क्या है, क्योंकि जब द्वीप बने तो बीच में कुछ तरल पदार्थ आ गया, जब पहिया चले लीक में कुछ द्वीप बन गया, द्वीप के बीच में क्या आया, पानी आ गया, तो वो पानी और सागर बन गया, और सागर क्या नाम है, और सागर का नाम है कि इक्षु के रस खारे का जल इक के रस, माने ये समुद्र है, खारे के जल का समुद्र, इक के रस का समुद्र, सूरा समुद्र, घृत समुद्र, दुग्ध समुद्र, माठा या तथा मीठे पेय जल का जल से पूर्ण समुद्र, इससे पूर्ण हो गया। देखिए भागवत शब्द कितना सुंदर, एक शब्द कि द्वीप भी बने और द्वीप के साथ साथ समुद्र भी बन गया। हाँ, ये प्रभाव वर्णन कर रहे जो प्रियव्रत महाराज कितना प्रभावशाली थे। हाँ, भगवान के भक्त जो होते हैं वो बहुत प्रभावशाली होते हैं, भगवान के भक्त साधारण नहीं होते। इस प्रकार से एक भोलापन जो भगवान के भक्ति करने से वो विशेष प्रभावशाली हो जाते हैं। जैसे प्रियव्रत महाराज भगवान के चरण कमल का ध्यान करते करते उसके माने रथ चलने से लीक से द्वीप बन गया और साथ साथ सरोवर बन गया मतलब समुद्र बन गया, तो कितना प्रभावशाली, ये किसके प्रभाव से, अपने प्रभाव से तो नहीं, प्रभाव की भगवान के चरण कमलों का आराधना किया। ऐसे ही जयदेव जी जगन्नाथ जी के स्वरूप माना जाते हैं, जयदेव जी भगवान के जगन्नाथ के स्वरूप माना जाते हैं। तो जयदेव जी जब पिता का देहांत हो गया पिताजी का देहांत हो गया तो वहाँ पास में एक बैनिया रहते थे, व्यापारी रहते थे,
वो आकर कहे कि आपके पिता इतना कर्ज करके रखा, आप पैसा दें, अर्थ दें, और नहीं तो संपूर्ण अपना संपत्ति जो है वो लिख दे। तो जयदेव विरक्त थे, साधु थे, तुरंत लिख दिया, तुरंत लिख दिया संपत्ति और बेनिया के नाम से लिख दिया। तो फिर एक बालक दौड़ते हुए आए और कहे कि पापा घर में आग लग गया, घर में आग लग गया। तो जयदेव जब सुने तो जयदेव दौड़कर गए और आग को बुझा दिया। तो व्यापारी देखकर बहुत खुश है, कहे कि नहीं अपना संपत्ति आप रख लीजिए। किंतु जयदेव जी उस संपत्ति को स्वीकार नहीं किया और एकांत जंगल में जाकर भजन करने लगे, जंगल में जाकर भजन करने लगे। तो जंगल में भजन करते करते फिर भजन करने लगे तो एक ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हमारा कोई पुत्र कन्या कोई भी एक हो जाए, पुत्री हो चाहे पुत्र हो, कोई मेरा संतान नहीं, मेरी संतान नहीं है, मुझे कोई एक संतान प्राप्त हो जाए। तो ब्राह्मण भगवान के जगन्नाथ जी की कृपा से हाँ, और मैं उसको आपको समर्पण कर देंगे, हाँ जो पुत्र होगा जो भी संतान होगा मेरा वो मैं आपको समर्पण कर दूंगा। तो फिर एक कन्या हुए, वो कन्या पद्मावती। पद्मावती जब 16-17 साल की हुई तो फिर उसका शादी कर किसके साथ कराए, तो भगवान के पास जगन्नाथ जी के पास ले कर गए कि प्रभु आप राखिए, मैं आपको समर्पण करना चाहता हूँ। तो जगन्नाथ जी कहे कि हमारे स्वरूप एक जयदेव नाम से अमुक जगह भजन कर रहे, आप उनको दे दीजिए। तो जब ब्राह्मण कन्या को लेकर जयदेव के पास आए, जयदेव कहे कि जगन्नाथ जी की आज्ञा है आपको इस कन्या को रखना है। मतलब मैं विरक्त हूँ, मेरे पास कोई धन नहीं संपत्ति नहीं, कैसे इसका पालन पोषण करें, मेरा द्वारा संभव नहीं है, आप ले जाए। बोले जगन्नाथ जी की आज्ञा है। बोले जगन्नाथ जी हजारों रख सकते हैं, उनका समर्थ है, हमारे लिए एक ही बहुत पहाड़ के समान है, हमारे लिए एक ही पहाड़ के समान है, मैं रख नहीं सकता। तो ब्राह्मण ने छोड़ के चले गए, ब्राह्मण ने पद्मावती को वहीं पे छोड़कर चले गए। तो जयदेव देखे तो भगवान की आज्ञा है, स्वीकार कर लिया, फिर कुटिया बांधकर रहने लगे। रहने के पश्चात फिर जयदेव जी इस प्रकार से जब अपना जीवन निर्वाह करने लगे, फिर जयदेव जी एक बार आ रहे थे, मतलब कोई यज्ञ वगैरह करके धन संपत्ति लेकर आ रहे थे, क्योंकि कुछ करना पड़ेगा, कुछ धन की आवश्यकता है। तो चार डाकू ने जान गए कि इनके पास धन है, चार डाकू ने जान गए कि जंगल के रास्ते से आ रहे थे, तो चार डाकू ने उनका सब धन छीन लिया। छीनने के पश्चात तो जयदेव जी ऐसे ही देना चाहते कि मारो, इसको मारधर मत करिए, मतलब ऐसे कुछ नुकसान मत कर पहुँचाइए, शरीर में कुछ हानि मत पहुँचाइए, आप ऐसे धन ले लीजिए। तो धन तो ले लिया, किंतु एक ने कहा कि इस बाद में इसका बदला लेने, हाँ इसको जान से मार दिया जाए। तो एक ने कहा कि नहीं नहीं धन ऐसे दे दिया, कम से कम हाथ पैर काट दिया जाए। तो हाथ पैर काट करके और कुएं में डाल दिया, जयदेव जी को हाथ पैर काट करके कुएं में डाल दिया। उस रास्ता से राजा आ रहे थे, राजा जब आए तो पानी के लिए सिपाही को भेजे कि जाइए कहीं से पानी कर लेकर आए। जब देखे एक कुएं में एक व्यक्ति गिरा हुआ है, किंतु कुएं से बहुत तेज निकल रहा है, कुएं से बहुत प्रकाश आ रहा है। तो राजा को संवाद दिया, राजा आकर कहे कि बहुत सुंदर है, तो उनको उठाया, बोले कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप हमारे राज्य में चलिए। लेकर गए, बहुत अच्छा सेवा किया राजा ने जयदेव जी की, बहुत अच्छा, क्योंकि मुँह में निरंतर प्रभु का नाम स्फुरण हो रहा है, निरंतर मतलब कृष्ण लीला चिंतन हो रहा है। तो राजा भक्त थे, तो राजा जयदेव जी की प्रभाव देखकर अपने राज्य में लेकर गए। जब लेकर गए तो राजा जयदेव जी से कहे
क्या किया जाए, मतलब तो जयदेव जी कहे कि संतों की सेवा किया जाए तो आपका बहुत कल्याण होगा। तो जयदेव जी की आज्ञा के अनुसार राजा ने बहुत संत, जो भी संत आते सेवा करते रहते, बहुत संतों की सेवा होने लगे। फिर जब ये चार डाकुओं ने देखा कि वहाँ फ्री सब मिल रहे हैं, सब दक्षिणापति सभी मिल रहे हैं, तो हम लोग क्यों ऐसे यहाँ पड़ा रहे, हम लोग भी बेस बनाकर वहाँ जाकर प्रसाद भी मिल जाएगा और दक्षिणा भी मिल जाएगा। तो चार डाकू बेस बना करके राजा के पास आ गए और भोजन करने, बहुत अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है। तो जयदेव जी कहे कि चारों को बहुत अच्छा से सत्कार करिए, ये चार व्यक्ति जो हैं ये चारों को बहुत बढ़िया से सेवा करिए। अच्छा, तो डाकू ने जान लिया कि शायद पता चल गया कि हम लोग डाकू है इसलिए इतना सम्मान कर रहे हैं, हाँ तो कुछ गड़बड़ है, सबके समान तो नहीं, हम लोग विशेष ध्यान रख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं प्रसाद के लिए, सब कुछ व्यवस्था के लिए, हाँ तो व्यवस्था बहुत अच्छा से चल रहे हैं। कुछ दिनों के बाद डाकू ने कहा कि हम लोग चले जाएंगे, हाँ हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो राजा ने कहा कि, तो जयदेव जी ने कहा कि लोग अच्छा से मतलब दक्षिणा सोना मतलब जो भी मांगे मैंने एकदम अच्छा से इन लोग को सत्कार करें, फिर सिपाही की तरह इन लोग को भिजवाने की व्यवस्था करें, हाँ फिर राजा वैसे ही कह, जैसे जयदेव जी बोलते थे ऐसे ही करते थे, चारों को अच्छा से धन संपत्ति देकर भेज दे। फिर बीच रास्ता में पूछने लगे चार सिपाहियों ने, हाँ कि सबके आप लोग जैसे सेवा किया राजा ने और किसी को इतना सेवा नहीं किया, आप लोग कौन है? शायद और सिपाही को पता नहीं है कि ये डाकू कौन है, जस्ट परिचय पूछने लगे आप कौन है। तो डाकुओं ने कहा कि ये जो आपको महाराज जी यहाँ बैठे हैं ना, ये जो हाथ पैर काटा हुआ है, इनको किसी ने मारना मतलब जान से मारना चाहते तो हम उसको मैंने रक्षा कर दिया, मैंने रक्षा किया, हम चारों ने उसको रक्षा किया इसलिए इतना सम्मान हो रहा है। मतलब पूरा पूरा झूठ बोला कि इसका गर्दन मतलब पूरा जान से ख़त्म करने वाला था तो हम लोग उनको बचा रहे इसलिए हम लोग इतना सम्मान कर रहे हैं कि कम से कम जान तो बच गया। हाँ तो धरती माता ने इसको सहन नहीं हुआ और पूरा मिट्टी फोड़कर चारों ने मिट्टी के अंदर चला गया। तो सिपाही दौड़ कर आए और राजा से कहने लगे कि क्या कारण है, ऐसे ऐसे घटना है, जो चार डाकू थे, चार डाकू जब अपना जो अपना मतलब कहने लगे कि आपके राजा महाराजा को इस तरह रक्षा किया, फिर इस धरती अपना मतलब ये हो गया, मतलब फाड़ करके उसमें चार चार व्यक्ति ने प्रवेश कर गए। ये चार महात्मा कौन है? वो सिपाही सोच रहे ये भी चार महात्मा कोई बड़े महात्मा है, ये चार डाकू सोच रहे हैं, सिपाही सोच रहे हैं एक बड़े महात्मा है, क्या घटना किसी को पता नहीं है। फिर जयदेव जी ने कहा कि ये चार डाकू जो है मतलब जयदेव जी बहुत रोने मतलब बहुत तड़पने लगे, आ क्या हो गया क्या हो गया, जैसे हाथ पटकने लगे तो धीरे धीरे से हाथ हाथ बन गया, जयदेव जी का जो हाथ नहीं था वो हाथ बन गया और पूरा सब पूर्ण शरीर जैसे शरीर जो है पूर्ण रूप प्राप्त किया। तो फिर जयदेव जी का शरीर प्राप्त हो गया और डाकुओं का नाश हो गया। तो भजन का प्रभाव से देखिए जयदेव जी इसी प्रकार से कंप्लेन नहीं किया कि ये डाकुओं ने इस प्रकार से हमको नुकसान पहुंचाया, हमको कष्ट दिया। फिर राजा ने जब सुना कि इनका पत्नी भी है जयदेव पद्मावती है, पद्मावती को भी राज्य में लेकर आए और दोनों की अच्छी तरह सेवा करने लगे, जयदेव जी और पद्मावती की बहुत सुंदर सेवा कर रहे। एक बार और एक घटना है कि पद्मावती सोती थी, कोई किसी व्यक्ति की पत्नी शरीर छूट गया, तो शरीर छूटने के पश्चात पद्मावती कहने लगे कि उस सती हो गए पति के साथ सहमरण में चले गए, सती दाह हो गया। तो पद्मावती के ये बड़े अच्छी मतलब उत्तमा भक्ति नहीं है, ठीक है पोती के साथ अग्नि में समावेश हो गया ठीक है, किंतु उत्तमा भक्ति नहीं है। तो रानी को बहुत दुख हुआ, राजा के जो रानी थी वो रानी बहुत दुखी हुई।
कि पति के साथ पति के विरह सहन ना हो नहीं हुआ नहीं हुआ उसके साथ समावेश हो गया, इसका ये प्रशंसा नहीं कर रहे पद्मावती, इसकी प्रशंसा नहीं कर रहे। तो कहे कि ठीक है इसकी परीक्षा लिया जाए। बोले उत्तम भक्ति ये है पति का वियोग हो गया और विरह में शरीर छूट गया, ये है उत्तम भक्ति। किसी पति का शरीर छूट गया उसकी विरह में किसी पत्नी का शरीर छूट गया, ये है उत्तम, मतलब उत्तम भक्ति है। तो बोले ठीक है इनकी परीक्षा लिया जाए। तो फिर पद्मावती की परीक्षा लेंगे रानी कि राजा को किसी प्रकार से मतलब जयदेव को साथ देकर भेज देंगे वन में, किसी जंगल में, किसी दूर देश में भेज देंगे। और रानी से कहने लगे कि आपका पोते का शरीर छूट गया। हाँ फिर पहले दिन तो बोल देंगे कि नहीं हमारे पोते देव जय मतलब राजा के साथ घूमने के लिए गया, फिर आ जाएंगे। फिर आ गया कुछ दिन के बाद, फिर वही एक ही नाटक। हाँ पोते को देकर भेज दिया, पोते को देकर जयदेव जी को भेज दिया। तो फिर जब फिर दोबारा कहे कि नहीं इस प्रकार से आपका पति शरीर छूट गया, तो देखिए बार बार परीक्षा ले रहे तो अपना विरह से शरीर त्याग दिया, पद्मावती ने शरीर त्याग दिया। तो इस प्रकार से उत्तम भक्ति करने पर वो सब कुछ करने में समर्थ हो जाएंगे। हाँ जिस प्रकार से जयदेव जी कितना उत्तम भक्ति, मतलब भगवान में निरंतर मन। हाँ उन्होंने अच्छा गीत गोविंद लिखे, सुंदर विरह की वर्णन किए। गीत गोविंद पढ़ के देखे बहुत सुंदर ग्रंथ है, राधा श्याम सुंदर के विरह का वर्णन, उनका सुंदर आलिंगन चुम्बन परिरंभन का वर्णन उसमें वर्णन है। महाप्रभु प्रिय बार जयदेव जी के पद्यावली सुनते थे महाप्रभु। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उत्तम भक्ति करने पर उस सब कुछ करने में समर्थ हो जाता है। जिस प्रकार प्रियव्रत महाराज ने भगवान में चरण कमल में निरंतर भक्ति रहने के कारण उस सारा संसार के राज्य कर में शासन करने में समर्थ हुए, इसी प्रकार से जयदेव जी भगवान के भक्त होने के कारण, हाँ उत्तम भक्ति के कारण वो सब कुछ करने में समर्थ हुए। देखिए जयदेव के जीवन ही कितना सुंदर है। कहने का उद्देश्य ये है कि उत्तम भक्ति निरंतर प्रभु में मन लगाना बहुत जरूरी है। निरंतर प्रभु में मन लगे एकमात्र प्रभु के नाम कीर्तन के माध्यम से, निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।